हे गाइस वेलकम बैक। बहुत सारे बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम आया है कि इतने सारा लिखने के बाद में भी पेपर बैक रह गए हैं, एक या दो मार्क्स से अटक गया है पेपर, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, सीधा सीधा आपका कॉन्फिडेंस है कि आपने लिखा था और निकल सकते थे, एक या दो मार्क्स से रह गया पेपर, तो सीधा सीधा रीचेकिंग में डाल दीजिए और उसके साथ में बैकलॉग का भी फॉर्म भर दीजिए। तो ये क्या है प्रॉब्लम इसका, रीचेकिंग में कैसे डालते हैं प्रोसेस? सबसे पहले ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है किसी भी कैफे पे या फिर कॉलेज से, उसकी 200 से 250 लगभग फीस होती है कि जितने पेपर डाल सकते हैं वहाँ पे पूछ लीजिए, जितने पेपर बैक है उतने पेपर रीचेकिंग में डाल दीजिए, दो शायद कम से कम पेपर डाल सकते हैं रीचेकिंग में। तो रीचेकिंग में जैसे पेपर डालते हैं वो देते हैं प्रिंट, वो प्रिंट को क्या करना है, ओरिजिनल मार्कशीट जो आपको मिली थी कॉलेज से उसके साथ में स्पीड पोस्ट से सेंड करना है वो एड्रेस पर, एड्रेस वो प्रिंट पर दिया होता है संत गाड़गे बाबू अमरावती यूनिवर्सिटी का, वहाँ से स्पीड पोस्ट से आपको सेंड भेज देना है। लगभग 45 दिन के बाद में या फिर आपके बैकलॉग के एग्ज़ाम के पहले पहले आपको रीचिंग का रिजल्ट बता दिया जाता है। अगर से पेपर वहाँ पे क्लियर निकल गया है तो बैकलॉग का एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर से रीचेकिंग में आपका रह जाता है और वापस कम मार्क हो जाते हैं तो बैकलॉग का आपके पास में एक ऑप्शन बचता है। तो दोनों फॉर्म भरना ज़रूरी है, तो यही प्रोसेस कर लीजिए। अगर से आपके एक या दो मार्क से पेपर अटक गया है तो रीचेकिंग में डाल दीजिए, इतना कोई टेंशन की बात नहीं है, वो मार्क बढ़ के आते हैं ज़्यादातर अगर से आपने लिखे हैं, तो चाहे वो चीटिंग करके लिखा है या फिर खुद से पढ़कर, अगर से लिखा है सही लिखा हुआ है तो मार्क मिलना ज़रूरी है, मिलते ही है, आप बिंदास रीचेकिंग के लिए डाल दीजिए।